तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, तो ये एलिमिनेशन से ही होगा, ठीक है। आप अगर इस पे सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करके आंसर सही ले आएंगे तो आपको जीरो मिलेगा। अगर आपके टीचर ने बोला है एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना होगा और हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, इस पहली वाली इक्वेशन को मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन, ये अभी मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब नीचे वाले को मैंने पी से किया था मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब आपको आ गया होगा कि मैंने ये क्यों किया था। देखो ये सिमिलर हो गए, मैं साइन अब चेंज कर लेता हूँ। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये पूरा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा हम पे दोनों पे क्यू है, तो क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों देखो, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है बच्चों। तो देखो ये और ये, देखो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो देखो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो देखो ये कितना आएगा, और इन दोनों में से देखो कॉमन में क्या लिख सकता हूँ वाई, तो देखो वाई हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया इसके लिए, और देखो ये हो जाएगा पी क्यू और पी क्यू दोनों कॉमन है। देखो देखो ये माइनस किया तो ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, और मैं दोनों में माइनस है तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो हो गया। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो देखो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको काटूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, देखो मेरे पे माइनस वन, कितने आएगी माइनस वन, देखो बच्चों ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा पूरा। तो देखो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पे, माइनस वन। अब देखो वाई की वैल्यू मेरे पे माइनस वन आ गई, इस पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो एक्स की वैल्यू भी मेरी आ जाएगी अब, है ना। तो देखो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो मैं इस पे रख देता हूँ, ठीक है, इस पे मैं वैल्यू रखता हूँ, तो देखो क्या आता है मेरे पे, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब ध्यान से देखो y की वैल्यू थी माइनस वन, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और मैं अब इस पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो पी एक्स प्लस क्यू इंटू माइनस वन इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, है ना। तो देखो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस प्लस माइनस क्यू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, देखो ये माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, दे ऐसे मत करो, ऐसे ही कर लो यार, पी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, ये माइनस है इधर आ गया पॉजिटिव क्यू, ये कट गया, देखो पी एक्स इक्वल्स टू पी कट गया, ये भी पी से पी एक्स आ गया मेरे पे वन। तो देखो एक्स की वैल्यू वन आ गई और वाई की वैल्यू आ गई माइनस वन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन से ही करना है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ ना करें जब तक आपको बोला ना हो, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन से किया मैंने, ये काफ़ी ईजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैम टीचर्स आपकी जरूर देंगी ये, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं।